हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे विश्व को कितने देश कितने हम लोग कंट्रीब्यूट करें, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरा हाथ हथियार बनाने में कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कितना इनकम आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग का, सबसे पहले जो हुआ था हम लोग का यूएनए का स्टेब्लिश कब हुआ था, पहले ये जानते हैं यूएनए का स्टेब्लिश कब हुआ था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसमें कब हम लोग क्या स्टेब्लिश हुआ था, यूएनए स्टेब्लिश हुआ था हम लोग का 24 अक्टूबर 1945 के दिन हम लोग का क्या हुआ था, यूएनए का स्टेब्लिश स्थापना हुआ था। किस लिए हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर है फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो पाए, इसे रोकने के लिए यूएनए का स्टेब्लिश हुआ था कि पूरा विश्व में शांति कायम कर सके। तो उसमें क्या हुआ था ना, जब यूएनए हम लोग का यूएनए का पांच परमानेंट मेंबर है, उसमें किसी कौन कौन मेंबर है, स्वीकार कर सकते हैं, इन्हीं के पास पावर होता है कोई भी डिसीजन जनरल असेंबली में जो यूएनए को बनाया जाता है, इसी का इसे ये क्या कर सकते हैं, बिना इसके अनुमति के कोई भी नियम बनेगा नहीं, अगर बन जाएगा तो इसे हटा भी सकते हैं, पूरा पावर इन पांच कंट्रियों के पास होता है। यूएनए का काम क्या था, कोई भी वर्ल्ड वार पूरा विश्व में वर्ल्ड वार से बहुत नॉसेस हुआ था उसको रोकने के लिए बनाया गया था कि फिर दोबारा वर्ल्ड वार विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना, जितने पांच मेंबर कंट्री है जो विश्व में पूरा हाथ हथियार का सप्लाई जो होता है बढ़ता है, उसमें पांच कंट्रिया का सबसे ज्यादा रोल है। यूनाइटेड स्टेट जो सबसे बड़ा मैन है, हेड है यूनाइटेड स्टेट, उसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनेशनली मार्केट में जो मैन्युफैक्चर ऑफ द वीपन का आर्म हथियार सेल करने में, ये 39% कंट्रीब्यूट कर रहा है। रशिया 19% कंट्रीब्यूट, फ्रांस 11, चाइना 4.6 है, यूनाइटेड किंगडम 16%। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट ही पांच में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले भी पांच कंट्रिया मेंबर हैं। उन लोग क्या किया था, उसका स्थापना किस लिए हुआ था कि वर्ल्ड वार रोके, वर्ल्ड वार कैसे रोके, उनका हाथ हथियार बल ये जब खुला हुआ था, यूएनए जब स्टेब्लिश हुआ था तो इसी में डिसाइड किया गया था बिना यूएनए के सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशन से कोई भी कंट्री अपना हाथ हथियार खुद नहीं बना सकता बिना इसका परमिशन ले। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा हाथ हथियार का सप्लाई इसी पांच कंट्रियों से हो रहा है जो उनका परमानेंट मेंबर है, जो कि बनाया गया था यूएनए का स्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि हथियार बनाने के लिए रोकने के लिए वर्ल्ड वार रोकने के लिए। लेकिन बना रहे हैं यही बात में क्या होगा, वर्ल्ड वार का रुक का कारण बनेगा। ध्यान देना, लगभग यूनाइटेड नेशन का जो हो लगभग हम लोग इससे अर्निंग कर रहा है, मालूम है यूएनए जो हथियार बेच रहा है इंटरनेशनल मार्केट में 76 बिलियन डॉलर हम लोग का प्रति ईयर क्या कर रहा है, पानी बगल इतना सेल प्रोडक्ट सेल करके इतना इनकम बना रहा है, इतना ज्यादा सोच के देखो। जबकि हमारे पूरा नेपाल का जीडीपी जो हम लोग का 33.67 हम लोग का कुछ समथिंग बिलियन है, और इसका हम लोग 76 बिलियन, मतलब इससे लगभग 20 गुना ज्यादा है। सोचो ये हाथ हथियार बेच के अमेरिका, हाथ हथियार बेच के सिर्फ नेपाल के 20 गुना के जीडीपी अकेले सिर्फ हाथ हथियार नहीं कमा रहे और बाकी का छोड़ दो, इतना ज्यादा यहाँ पर कर रहा है। और पाकिस्तान छोटा देश तो उसे 63.7 समथिंग है, इतना मतलब उसे डबल है। जब हाथ हथियार बेच के इतना डबल अपना जीडीपी अपना इनकम बना लेगा तो कंट्री हाथ हथियार रोकेगा नहीं रोकेगा ना, तो इसमें इतना कंट्रीब्यूट करा है रशिया जो है, इतना कंट्रीब्यूट करा है। सिपरी टीवी मिले मतलब हम लोग का ये हाथ हथियार का सेल करने वाला मार्केट का क्या है, यूनिट है, इसी में नापा जाता है पैसे कितना हुआ। और इसका फ्रांस का इतना 32.96, चाइना का इतना और यूनाइटेड किंगडम का इतना, तो इतना इतना ज्यादा पैसा हम लोग कमाते हैं कहां से, वहीं से कमाते हैं इंटरनेशनल हाथ हथियार बना के बेच के कमाते हैं। लगभग जो अमेरिका कमा रहा है उसका 2.6% जितना अमेरिका का टोटल जीडीपी है ना, उसमें 3.6% कंट्रीब्यूट पा रहा है कहां से, हाथ हथियार वेपन से सेल करके इंटरनेशनली कमा रहा है। और अब बात करते हैं कि लगभग जो इन सब का हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा आता हाथ हथियार बनाने में, वो कंट्रिया कितना कितना ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले अमेरिका का बात करें, वही सबसे महान देश है ना, तो अमेरिका लगभग 35.4 बिलियन खर्चा कर रहे हैं प्रति ईयर। और जो अमेरिका के बाद हम लोग क्या, रशिया 8.6 बिलियन करे, फ्रांस 4.8 बिलियन, चाइना 10.4 बिलियन, इतना ज्यादा करे। अब सोच के देखो यार, इंडिया भी नाम दिखाने में पान आगे आ गया है, $2.3 बिलियन हम लोग का प्रति वर्ष इंडिया भी खर्च कर रहा है हाथ हथियार बनाने में। और पाकिस्तान है तो इंडिया ठीक है, पाकिस्तान 1 बिलियन ये खर्च कर रहा है, जहां का एजुकेशन लेवल हेल्थ कंडीशन इतना ज्यादा लो है, वहां का 29.1 समथिंग कुछ वहां के परसेंट गरीबी के नीचे है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वहां पर जहां पर लगभग 65.2% पीपल हम लोग क्या होते हैं जानते हैं, 1000 में से बस 65.2 पीपल जन्मते हैं 5 वर्ष से पहले मर जाते हैं, क्यूट बर्थ रेट वहां पर इतना ज्यादा है। हेल्थ कंडीशन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा 154 रैंक पे आता है पाकिस्तान, वहां का लगभग बहुत ज्यादा गरीबी वाला कंडीशन है। एजुकेशन कितने वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर हाथ हथियार बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान जैसा देश, ठीक है सोच के देखो यार। और
इंडिया, तो इन सबको मालूम है कंट्रिया, कोई भी कंट्री को कैसे मालूम, कैसे डिनोट करता है कि इसका पावर कितना बड़ा। अमेरिका को सब बोलते हैं सो बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री, कैसे बड़ा कंट्री, उसके पास ज्यादा इनकम है, इनकम बहुत सारे कंट्रियों के पास है, बहुत सारा स्रोत है, लेकिन उसे महान मानते हैं। क्यों मान रहा है? कोई भी कंट्री अपना जो स्ट्रेंथ, अपना जो पावर दिखाना चाहती है वो किसके बल पे दिखाना चाहते हैं? हाथ हथियार, वेपन, गन, बम, मिसाइल, यही सब आर्मी, मिलिट्री पावर, इसी के बल से किसी भी कंट्री सोचती है कि मेरा जो शासन चलेगा, मेरा जो पावर रहेगा, इसी के बल पे निर्धारित होता है। अगर ये सब मैं छोड़ दूंगा ना तो मेरा अकाउंट एकदम जीरो में किया जाएगा। इसीलिए हर एक कंट्री कंपीट करके बनाई जा रही है। उन सबका क्या काम, इतना इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा, गरीबों का संख्या बढ़ते जा रही है, एजुकेशन लेवल लाखों करोड़ लोग मरते जा रहे हैं, विभिन्न बहुत विभिन्न प्रकार के बीमारियों से जूझ के मरते जा रहे हैं, बहुत खतरनाक नाक बीमारी आ रही है, इतना ज्यादा एपिडेमिक्स, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा जंगल का विनाश हो रहा है, हर एक चीज में इतना लॉसेस हो रहा है, गरीब आदमी भूखे मर रहा है, 9 मिलियन आदमी लोग का क्या करें, सिर्फ भूखों से मर रहे हैं, एक साल में खाना शुद्ध खाना नहीं पाने की वजह से मर रहे हैं। तो इतना ज्यादा कंडीशन होते हुए यहाँ यहाँ कंट्रियां जो है इस तरह पर क्या करें फोकस कर रही है। तो ये कंट्रिया जो फोकस कर रही है इन सब चीजों पर, जो फोकस कर रहे हैं कि मेरा ये पावर है, लक्ष्य सोच रहे, इससे इतना, जब ये कंट्रिया जो है इतनी सारी हाथ हथियारे जब बनाए तो उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं से ये बात है कि मुझे लाख में कुछ भी हो तो वर्ल्ड वॉर तुरंत चालू कर दूं। जब हाथ हथियार रहेगा तभी तो आदमी स्टार्ट करेगा, जैसे कुछ बोला दूसरा वाला तुरंत। यूक्रेन और रशिया का भी जब जस्ट युद्ध हुआ था तो उसमें तो लगभग 14,000 से 15,000 लोगों की जाने गई थी, बहुत ज्यादा बाद में कंडीशन बड़ी हो सकती थी लेकिन उसे सावधान हो गया है। तो उसे वर्ल्ड वॉर जब हाथ हथियार होगा तभी आदमी मर के, आप तो मारने के लिए किसी पास कुछ नहीं रहेगा तो उसको कुछ भी बोलो क्या करेगा, सिर्फ मुंह से ही बोल सकता है। कोल्ड वॉर हो सकता है लेकिन वार नहीं हो सकता, लेकिन जैसे हाथ हथियार रहेगा दूसरा कंट्री बोला तीसरा वाला उठा के गन पूरा एकदम शुरू हो जाएगा, वार जब शुरू हो जाएगा इतना खतरनाक नहीं मिसाइल गन बम की छोड़ देगा तो आदमी का पूरा अस्तित्व वहां का चला जाएगा। तो इतना ज्यादा है, तो इन सबके मन में ये सब बना क्यों रहे हैं, इन सबका मनुष्य को काम क्या है, सिर्फ लाखों रुपया खर्च करके, अरबों खरबों रुपया खर्च करके एक्सपेरिमेंट करें, नेचर पे फिट पा रहा है, वही इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, पूरा वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसे एक्चुअली खुला था इसीलिए वो काम क्या कर रहे हैं, सोच के देखो, जो कंट्री है इसका मेन परमानेंट मेंबर है वही ये सब क्या कर रहे हैं, इसे प्रमोट कर रहे हैं, चाहे उसको पेड़ लगा दे, हथियार बिना को क्या काम है, काम लगे तब उसे मैन्युफैक्चर करके बनाया जा सकता है ना, क्योंकि आइडिया तो आदमी के पास है ना, लेकिन बना के एक्सपोर्ट करनी उसे बेच के क्या, इट मीन कहीं ना कहीं हर एक इंसान के मन में कि मुझे विश्व युद्ध करना ही करना है, कुछ भी हुआ बाद में विश्व युद्ध चालू हो जाए। जब महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल के गए थे पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध भी होगा लेकिन चौथा देखने के लिए कोई नहीं रहेगा, मतलब जब तीसरा होगा तो इतना ज्यादा एटॉमिक बम हथियार बन गए कि तीसरा होगा तो पहले कहीं भी डाल देगा तो पूरा दुनिया ध्वस्त हो जाएगा, तो आदमी चौथा देखने के लिए मनुष्य कोई बचेगा ही नहीं। तो यार इतना ज्यादा ह्यूमिनिटी के टर्म से देखें तो हाथ हथियार के इंसान को काम क्या है, हर एक चीज हाथ हथियार को अच्छे से, हाथ हथियार है दुश्मनी का कारण ही होता है, अगर किसी के पास कुछ नहीं तो उसको गाली दोगे, कुछ भी बोल दोगे तो सिर्फ मुंह से बात करके समझा सकता है, बोल सकता है, लेकिन आदमी के पास कुछ भी रहेगा, अगर मारने के लिए कुछ रहेगा तो जैसे बोलो उस पर उसका जो दिमाग होगा मानसिक जो उसी पे जाएगा कि मेरे पास हथियार है, शुरू कर देंगे वर्ल्ड वॉर। तो जो कंट्रिया पावरफुल होगी सबसे पहले शुरू कर देंगे, तो पावरफुल कंट्रिया सोचते हैं मैं पावरफुल कब रहूंगा, जब मेरे पास हाथ हथियार रहेगा मैं सबसे ज्यादा पावरफुल रहेंगे, जितना ज्यादा मिसाइल उतना मैं पावरफुल, इसीलिए कंट्रिया कंपीट करके बनाए जा रहे हैं, ध्यान देना चाहिए हर एक इंसान को, इसे बैन कराना चाहिए। तो इतना ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं इनकी वजह से।